हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगी। वेलकम टू माय चैनल यूई व्लॉगर गुलनाज बानो। जी फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे जो अबू धाबी में है। ये है जुबेल मैंग्रोव आइलैंड पार्क, तो अरबी में इसको बोलते हैं जज़ीरा जुबेल। तो यहाँ देखिए, ये अबू धाबी में है, बहुत ही खूबसूरत है। सिटी से अराउंड 10 मिनट्स में यहाँ पहुँच सकते हैं। ये मैंने एग्ज़िट ले लिया है और चलिए मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिए, देखते हैं क्या है उधर। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो तो ज़रूर होनी चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। जी फ्रेंड्स, पार्किंग लगा ली है, अभी चलिए एंट्रेंस पे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, तो ये आई थिंक लास्ट थर्सडे को ही ओपन हुआ था और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। जी फ्रेंड्स, देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह से। ये सारे ट्रीज़ लगाए हुए हैं और मैंग्रोव रूट्स लगाई हुई हैं। ये इधर राइट और लेफ्ट में ये रेस्टोरेंट है कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ये देखें, पूरा ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने वुडन का, और इसके नीचे फुल वाटर है चारों साइडों पर, और उसके अंदर ट्रीज़ लगाए हुए हैं और मैंग्रोव रूट्स लगाए हैं। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये नेचर को अच्छा करने के लिए और बाकी जो ट्रीज़ हैं उसको यहाँ पे उगाने के लिए लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये ट्रीज़ वगैरह यहाँ पॉसिबल नहीं है लगना, क्योंकि ये सारा पानी का एरिया था। आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूई व्लॉगर गुलनाज बानो। जी फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अबू धाबी में जुबेल जज़ीरा जुबेल पार्क है ये, अभी क्या बोलते हैं इंग्लिश में है जुबेल आइलैंड, और अरेबिक में है जुबेल आइलैंड जुबेल जज़ीरा जुबेल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखें, पूरा वुडन का इन्होंने वो बनाया हुआ ब्रिज बनाया हुआ, नीचे पानी है। तो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, तभी आपको अच्छा लगेगा।
देखें पानी है इसके, पता नहीं कैमरे में ठीक से नजर आ भी रहा है क्या, नहीं आ रहा है, देखें इतना क्लियर पानी है। नीचे इन्होंने वो चूना का पानी, चूना फेंका हुआ है शायद तो नीचे, और उसके ऊपर पानी बह रहा है। ये इतना क्लीन है कि नज़र ही नहीं आ रहा शायद। बहुत खूबसूरत व्यू है ये सारा। एटलीस्ट ये मैंने देखा था 2 किलोमीटर्स तक वॉकिंग वे है, और ये 1 मिलियन एकड़ ज़मीन तक ये पूरा इन्होंने जबल आइलैंड बनाया है।
फ्रेंड्स, इन्होंने ये देखे मैप दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके आप ही देख सकते हैं इसकी डिटेल। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, बस जल्दी जल्दी वीडियो कैच किया, तो देख सकते हैं आप कौन सा व्यू कहाँ पे है। और यहाँ पे भी कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है ये। तो ये जो वुडन का जो बनाया है, ये फ्लोट कर रहा था वाकई जब मैं इधर गई थी। तो यहाँ फिश भी हैं, क्रैब्स भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। और देख सकते हैं आप, ये सारा पॉज करके अरेबिक में भी लिखा हुआ है, आप देख लें। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये देखिए, इन्होंने नेट का बनाया हुआ है इसमें, वैसे तो नीचे से देख सकते हैं पानी। तो बाकी ये फ्लोट कर रहा था, ऐसा लग रहा था बस अभी गिर ना जाए, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये नेट काफ़ी मज़बूत है, लेकिन कोई भी नहीं इधर जाता डर के मारे। बहरहाल ये देखें, इसमें फिश तो मुझे नज़र यहाँ पे नहीं आई, लेकिन आगे आई है, वो आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि ये वीडियो बाद में अपलोड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे मुझे कोई फिश नज़र नहीं आई। मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत इंजॉय कर रही हूँ अभी। मुझे धूप में नज़र तो नहीं आ रहा, ग्लासेस मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है तो अच्छी लगती है ये। बट बाकी हैं, बट ये इसमें ये अच्छा लगता है मुझे, तो कंफर्टेबल इसी में रहती हूँ। तो अभी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो घर जाके देखूँगी कैसी वीडियो लगी है। बहुत खूबसूरत आइलैंड है। अगर तो आप अबू धाबी या यूएई में कहीं भी हैं, तो या आप विज़िट पर आते हैं यूएई में, तो यहाँ ज़रूर आइएगा। बहुत खूबसूरत, नेचुरल है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आया। अभी हालांकि धूप है और बहुत थक भी गई हूँ, काम किया है बहुत, लेकिन अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी।
तो बाहर का बाकी भी व्यू देखते हैं। चलिए मैं सर व्यू देखें, ये देखें कितना जबरदस्त है। ये बैक साइड पे देखें, चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये जो वुडन का इन्होंने बनाया ना ब्रिज, ये बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है चल के ना इस पर। चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये वॉकिंग वे इन्होंने 2 किलोमीटर तक बनाया हुआ है, तो इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में शूट किया है ताकि मैं एक भी चीज़ मिस ना करूं। और ये आगे चलते हैं, जगह जगह पे इन्होंने व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा व्यू है हर जगह से। और बच्चे भी आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे, वैसे भी आप देख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी जस्ट नया नया बना है तो इसलिए इतने लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है वो आ रहे हैं। और ये देखें दरख्त हैं, इसमें मैंग्रोव के रूट्स लगाए हुए हैं इन्होंने, ये जो नेचर से रिलेटेड इन्होंने कुछ ये जुबेल पार्क बनाया हुआ है फुली, बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाला माहौल है, तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखें पावर ऑफ द सी, इसमें कुछ डिटेल लिखी हुई है, ये मैग्रोव रूट्स जो लगाए हैं आप देख सकते हैं पॉज करके। और बस जल्दी जल्दी में मैंने बना लिया, ये अरेबियन गल्फ से रिलेटेड है, कितना डाया है कितना पूरा इसमें डिटेल लिखी है आप देख सकते हैं।
तो ये कुछ मैंने सेल्फीज ली थी अपनी, तो मैंने ये भी बीच में ऐड कर दी। मैंने कहा कि चलो सेव हो जाते हैं ये भी पिक्चर्स। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके साथ ही यूए ब्लॉगर गुनाजमानों को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यू देख जाएं कितने अच्छा है लेक है पीछे, चारों साइडों का व्यू दिखा देते हैं। बालों को छोड़ दें, बहुत हवा है तो बालों का खराब हो ही जाता है।